सेल्फ क्लेम्ड बॉलीवुड फिल्म क्रिटिक केआरके कई लोगों पर निशाना साध चुके हैं। कुछ साल पहले तो अजय देवगन से लेकर करण जौहर तक लगभग हर एक सेलेब्स के पीछे केआरके हाथ धोकर पड़े थे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के कंट्रोवर्सियल रियलिटी शो बिग बॉस में दिख चुके केआरके का एक नया ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में केआरके ने बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर पर निशाना साधा है। केआरके ने इस प्रोड्यूसर की लगभग फ्लॉप हो रही फिल्मों पर तंज कसा है, साथ ही वह उन पर पर्सनल अटैक करते भी नजर आए हैं। केआरके ने इस ट्वीट में लिखा है, प्रोड्यूसर बोनी कपूर की सारी फिल्में डिजास्टर क्यों साबित हो रही हैं? क्योंकि उनके पास हराम का पैसा है। ये पैसा उन्हें श्रीदेवी के निधन के बाद मिला है। जब 6 फीट लंबी श्रीदेवी पानी के टब में डूबी हुई थी तो कमरे में बैठे बोनी सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। केआरके के इस ट्वीट को देखने के बाद कुछ लोग उन्हें काफी खरी खोटी सुना रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बोनी कपूर के भी पीछे पड़ चुके हैं। साल 2018 में श्रीदेवी अपने घर की शादी में शामिल होने दुबई पहुंची थीं। शादी के बाद होटल रूम में श्रीदेवी की डेड बॉडी बाथटब में मिली थी। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई थी कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। हालांकि फैंस को यह बात नागवार गुजरी और इसके बाद कई तरह की थ्योरी भी सामने आई। बता दें कि इससे पहले भी केआरके इस तरह की घटिया हरकत कर चुके हैं, जिसको लेकर वो अक्सर ट्रोल भी होते हैं। फिलहाल केआरके के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसी ही और एंटरटेनमेंट न्यूज के लिए फिल्म फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब करें।